एंड आइकन को क्लिक कर लेना सो दैट जो भी नया नोटिफिकेशन आता है यू आर अवेयर बिकॉज एक तो इससे रिलेटेड वीडियो आएंगे प्लस अगर आपका ग्रुप वन बाकी है देन इन दैट के सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ए एफ एम में भी ऐसे ही कुछ सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रुप वन अगर आपका हो गया है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु मे बेनिफिट फ्रॉम दिट ग्रुप टू बाकी है देन इन दैट केस आईबीएस में आपको ये सारी चीजें काम आएगी सो so, एक लंबा अपना आ, बोलते हैं ना साथ है लेट्स स्टे कनेक्टेड डू शेयर योर कमेंट्स कि कमेंट आपको कहां पे क्या लग रहा है कि और क्या चीजें आनी चाहिए जैसा मैंने बोला ए एफ एम स्टार्ट कर रहा हूं तो उधर आपके आप रिकमेंडेशन दे सकते हो कि आ, कौन सा वीडियो चाहिए एंड आई विल एनश्योर कि एकदम लॉजिकली आपको वो चीजें क्लियर हो जाए विद माई वीडियो तो चलो ऑफ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज लाइक like, कर दीजिए आपका एंड मैं स्टार्ट कर देता हूं ओस्ट वॉल्डर्स बिजनेस मॉडल कैनवास चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू स्टडीज कॉस्ट मैनेजमेंट में से अगर कोई क्वेश्चन आया देन इन दैट केस इसमें से आता है या फिर मैट्रिक्स है या वैल्यू चेन एनालिसिस ये तीन में से आता है तो मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूं इससे रिलेटेड सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आपके पास ऑप्टिमाइज्ड है देन इन दैट केस कॉन्सेप्ट बुक ओपन कर लो चैप्टर नंबर वन पे अपन लोग आ रहे हैं एंड अगर नहीं है देन इन दैट केस यू वुड हैव द मॉड्यूल तो आप मॉड्यूल भी ओपन कर सकते हो वहां से भी आपको ये चीज समझ जाएगी मार्केट एज इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड इन योर एग्जाम दोनों जगह पे ये आ सकता है सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट नोट गाइस ऑन सो ये इन द ऑप्टिमाइज्ड आपको ये पेज जो 1.19 पे मिल जाएगा बिजनेस मॉडल को मैं दो मिनट में एक्सप्लेन करके फिर पहुंचता हूं बिजनेस मॉडल कैनवास के ऊपर ऑल्सो uh, ये जो नोट्स है ना वो मैं मेरे uh, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं तो नीचे कमेंट्स में है ना आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वहां से आप लोग को ये नोट्स मिल जाएगा लेट्स गेट स्टार्टेड सो ऑस्टवल बिजनेस मॉडल कैनवास में आपको उसके पहले समझे तो बिजनेस मॉडल क्या होता है देखो आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे ना देन इन दैट केस 101% आपके पेरेंट्स आके आपको पूछेंगे बेटा तू बिजनेस तो स्टार्ट कर रहा है बट इस बिजनेस से किसका फायदा होगा मतलब अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मैं उससे कौन से टारगेट ऑडियंस को कौन से कस्टमर को एड्रेस कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैंने कोचिंग का आ, बिजनेस स्टार्ट किया तो आई एम गोइंग टू गिव माय फोकस माय अटेंशन टू सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स अच्छा बेटा तेरा रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है पैसा कहां से कमाएगा मार्केटिंग कैसे करेगा एंड तेरे इस सब करने के लिए खर्चे क्या लगने वाले हैं तो मैंने उनको सब बताया मैंने उनको पूरा मेरा बिजनेस मॉडल बताया कि देखो मैं ऑनलाइन वीडियोस बनाऊंगा अपने वो वीडियोस को मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करूंगा इनक्रिप्ट करके एंड देन स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड जिसको भी वो लेक्चर देखने हैं देखें डाउनलोड इट बाय फर्स्ट पेइंग मी अमाउंट जो भी डिसाइड हुआ है उसके बेसिस पे उनको बुक्स भेजेंगे तो वो बुक्स का एक कॉस्ट है uh, जो एम्प्लॉयज है उनका एक कॉस्ट है सो ऑल ऑफ दैट इज बेसिकली माई बिजनेस मॉडल राइट समझ में आ गया आपको सो डिलीवरिंग सर्विस इंटरमीजिए और एट द सेम टाइम क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स है कोई भी बिजनेस के लिए ये सब चीजें जब आप उसको डिफाइन करना चालू करते हो सबसे पहले क्या वैल्यू देने वाले हो वैल्यू देने क्या वो वैल्यूएबल है उस पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट के लिए

इन्होंने बनाया एक बिजनेस मॉडल कैनवास और इन्होंने इसके अंदर नाइन एलिमेंट्स इंक्लूड किए और बोला कि अगर किसी बिजनेस को ग्रो करना है देन इन दैट केस दे शुड फोकस ऑन देमेंट नाइन एक्टिविटीज एंड इफ ऑल दीज नाइन एक्टिविटीज आर टेकन केयर ऑफ देन डेफिनेटली योर बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो फॉर श्योर एंड मैं आज लो आप लोगों के साथ ले रहा हूं एक एग्जाम्पल ऑफ जोमैटो जी हाँ सो so, आज ये देखो टोटल नाइन एलिमेंट्स है जिसके बारे में मैं आप के साथ बात करने वाला हूं एंड ये एलिमेंट्स ने कैसे आइडेंटिफाई किया है दैट इज नाउ व्हाट वी विल आल्सो सी राइट ऑल्सो मेरा ना यूट्यूब के ऊपर मैंने ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं टेन टेन मार्क्स वाले जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ए के भी सेम चीज आप लोग को मिलेगी आपका हो गया, you can share it with your friends. So, ऐसे ये देखो, इस देखो, इसमें है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑस्ट्रोल्डर्सोलोज मैट्रिक्स सब आएगा सो डू कीप ऑन वॉचिंग देम बिफोर योर एग्जाम्स विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू ठीक है अब आ जाते हैं अपन लोग ऑस्ट्रॉल्डर्स बिजनेस मॉडल के लिए। एंड मैंने आप लोग को बताया कि इसको ध्यान में रखने के लिए अपने पास एक क्लासिक एग्जाम्पल है एंड दैट क्लासिक एग्जाम्पल इज ऑफ जोमैटो सो दीपिंदर गोयल जो जोमैटो के को uh, फाउंडर है उन्होंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आई एम श्योर ये स्टोल बिजनेस मॉडल बनाया होगा एंड इसको आंसर किया होगा एंड दैट इज वेर यूड रियलाइज दैट ये जोमैटो विल बी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया मैं आपको अगर कोइन्सिडेंटली बताऊं मेरा फेवरेट ये कंपनी इसके लिए है क्योंकि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था जब इस कंपनी का शेयर प्राइस था 55 टुडे द कंपनी हैज क्रॉस ₹210 फोर टाइम्स मनी आई हैव मेड इन दिस शेयर इटसेल्फ बाय जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 1 1/2 टू 2 इयर्स बहुत बड़ी बात है फोर टाइम्स uh, पैसा होना ठीक है दैट्स व्हाट इट इज क्यों इतना अच्छा हुआ ज़ोमैटो क्योंकि उसका ये बिजनेस मॉडल कैनवास वॉज ऑन ट्रैक सबसे पहले वैल्यू प्रोपोजिशन देखो एक इंसान काम क्यों कर रहा है वैट एज अ पर्सन वर्क टू अर्न मनी एंड बी हेल्दी तो खाना खाना किसको पसंद नहीं है हा? वो अलग बात है कि जोमेटो पे हेल्दी नॉन हेल्दी फूड दोनों मिलता है फूड इज समथिंग दैट वी ईट फॉर ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स डिनर

सराउंडिंग में कुछ ना कुछ खाने के लिए नया नया चीज चाहिए एंड दैट इज व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय जोमैटो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे एरिया के जितने भी फूड ईटिंग आउटलेट्स हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया यू you नो know? इसमें मेरे को इडली चाहिए साउथ इंडियन या मेरे को छोला भटूरा चाहिए या मेरे को नॉर्थ इंडियन जो खाना है एवरीथिंग आई कैन सो दैट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस ऐसी क्या यूनिक चीज कर रहा है एंड ऐसा वो क्या कस्टमर को दे रहा है विच विल बी सैटिस्फैक्शन टू द कस्टमर एट द सेम टाइम इट विल बी बिजनेस विच विल ग्रो एट अ वेरी रैपिड पेस सो ये है पेसमैटो का वैल्यू प्रोपोजिशन एंड वो वैल्यू प्रोपोजिशन से पहले उन्होंने स्टार्ट किया दैट ऑल ओवर इंडिया एवरीबडी नीड्स फूड एवरीबडी वॉन्ट्स इट एट होम एंड

राइट सो दैट इज वेर यू हैव टू क्रिएट अ चैनल एंड उन्होंने जोमैटो का जो एक ऐप बनाया दैट इज वन ऑफ द वेज थ्रू विच आई कैन कम्युनिकेट विद जोमैटो सो दैट इज अ चैनल समझ समझा कस्टमर रिलेशनशिप अभी अगर आप लोगों को पता हो तो जोमैटो गोल्ड आता है जोमैटो के इतने सारे ऑफर्स आते हैं ऑल ऑफ दैट इज वॉट इट इज अ वे टू बिल्ड अ कस्टमर रिलेशनशिप अगर आज मेरा बर्थडे है मेरा एनिवर्सरी है तो ज़ोमेटो विल सेंड मी दैट सर टूडे इज बर्थडे प्लीज वी आर गिविंग रिलेशनशिप राइट कस्टमर सेगमेंट पहले कस्टमर सेगमेंट में था दैट ओनली दो पीपल एट होम वो ही जोमैटो से ऑर्डर करेंगे बट आज की तारीख में या आज की तारीख में जोमैटो ने डाइन इन भी बना दिया तो जोमैटो में अगर आप कहीं और बाहर खाना खाने को जा रहे हो तो आप वहां पे जाके खाना करें रहे हो वहां पे भी जोमेटो आपको एडिशनल डिस्काउंट दिलवा देगा राइट सो दे हैव इंप्रूव्ड देयर कस्टमर सेगमेंट सो कस्टमर सेगमेंट जितना बड़ा होगा उतना बिजनेस जल्दी स्केल अप करेगा तो उन्होंने सोचा ये कि कस्टमर सेगमेंट्स को और कैसे इंप्रूव किया जाए कस्टमर सेगमेंट्स मतलब टारगेट कस्टमर

वो लोग सब लोग के साथ दे हैव टू डू अ टाई अप तो वो लोग का टाई अप है देन वो आप जैसे ऑर्डर करते हो देर इज अ कमीशन विच इज पास कमीशन के लिए फिर बाद में द पर्सन डिलीवरी बॉय विल कम एंड डिलीवर इट टू यू सो ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी द वर्क दैट द जोमैटो प्रोफाइल फिर बाद में आते हैं की रिसोर्सेज सो ये रिसोर्सेज तो जोमैटो का जो पैकेजिंग हो गया Uh, जो उनके बाइक्स हो गए या उनका जो टी शर्ट है ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर रिसोर्सिस की पार्टनर्स की पार्टनर्स बेसिकली आर देयर राइडर्स राइडर्स जो इतने सारे उनके riders है वो सब कौन है उनके key partners है उनके की पार्टनर्स राइट फिर रेवेन्यू स्ट्रीम जैसा मैंने बोला जोमेटो अभी तो जोमेटो ने ब्लिंकिट को भी खरीद लिया है तो और एक रेवेन्यू स्ट्रीम ओपन हो गया जोमेटो होम डिलीवरी जोमेटो डाइन इन जोमेटो दिस ऑल ऑफ दैट इज अ वे टू अर्न मनी मैं कहा से पैसा कमा सकता हूं इज द रेवेन्यू स्ट्रीम एंडस्ट स्ट्रक्चर इज ऑब्वियसली पे करना है इतना बड़ा जो सेटअप है, है उसको मैनेज करना है तो उनका एक टेक्नोलॉजी का टीम है राइट ब्रांडिंग टीम है मार्केटिंग टीम है ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ देर कॉस्ट स्ट्रक्चर जब आपके ये ऑल नाइन की एक्टिविटीज आर डिफाइंड एंड जब ये इंटरनली एक साथ वर्कआउट करते हैं दैट इज वेयर योर बिजनेस विल स्टार्ट टू सक्सीड एक भी चीज अनडिफाइंड है या इफ इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली विल अफेक्ट द होल ऑफ द कैनवस समझ में आ गया आप लोगों को तो क्या ये नाइन एक्टिविटीज याद रहेगी आपको याद रखना है जोमैटो जोमैटो का सबसे पहला चीज या कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना है उसका पहला चीज इज गोइंग टू बी वैल्यू प्रोपोजिशन

कस्टमर सेगमेंट क्या है आपके ये सब आइडेंटिफाई करता है करते जाना है अगर ये नौ की नौ चीजें आइडेंटिफाई कर ली मीन्स योर बिजनेस मॉडल इज इन प्लेस जिसको नाम दिया गया बिजनेस मॉडल कैनवास बिकॉज ऑस्टवल करके बंदा था उसने इस चीज को वर्कआउट किया क्या आपकी एक्टिविटीज है क्या रिसोर्सेज है एंड क्या की पार्टनर्स है एंड क्या की पार्टनर्स है ठीक है की पार्टनर्स आए और एम्प्लॉइज द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू राइट योर सेल्स टीम योर राइडर्स ऑल ऑफ दैट की रिसोर्सेज जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं तो मेरे लिए की रिसोर्स है मेरा बुक दैट इज अस रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है दैट ऑल्सो यू शुड नो एंड combine all of this together and take it forward, right? So आपका जो मार्केटिंग आता है वो इज द पार्ट ऑफ customer relationship and channels. तो so, customer relationship build करने के लिए जो मार्केटिंग एफर्ट्स आइडियाज आता है, जोमैटो के all of that will fit there. Are we clear everyone? सो so, ये नौ चीजें बताती है एक बिजनेस मॉडल को कंप्लीट करती है क्विकली अपन लोग अपने बुक में भी एक बार देख लेते हैं दैट हाउ ऑल ऑफ दिस इज डिफाइंड सो दैट वी आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट देखो एलेक्सेंडर ऑक्सवाइल्ड जिसने ये इंट्रोड्यूस किया क्रिएटेड अ नाइन एलिमेंट बिजनेस मॉडल ये नाइन एलिमेंट याद रखने है जरूरी है बिकॉज इसमें कुछ ऑर्ड मैन आउट रख के आई कैन पुट अप एमसीक्यू की एरिया सबसे पहला वैल्यू प्रोपोजिशन product services that business offers to target customer to solve their problem boss jab tak koi aap kisi ke business ka problem jab tak aap kisi ke problem ko solve nahi kar rahe ho na tab tak aapka business successful nahi hoga याद रखना ये बात। ये मैंने specially shark tank में piyush bansal से सुनी थी। and it is very true right second is channels how are you going to reach to your अभी जैसे शार्क टाइम का बात किया तो शादी डॉट कॉम अनुपम मित्तल वेरी यूनिक आइडिया इंडिया में शादी इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी बिग थिंग सो लेट्स मैच इट ऑनलाइन सो दैट्स हाउ इट इज चैनल्स कैसे रीच करोगे बॉस अपने कस्टमर के पास एप्लीकेशन के थ्रू एक प्लेटफॉर्म हो गया डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सो एक एप्लीकेशन फॉर जोमैटो इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिससे वो अपने जितने भी आउटलेट्स uh, है उसको एडवर्टाइज कर सकता है

Who are the customers of a business are and why they buy from it? अभी तो इसका customer base काफी बड़ा हो गया है Customer relationship deals with the interactions. जैसा मैंने बोला birthday पे या in general Zomato का आप लोग के पास अगर app होगा होगा ही तो every two hour में कुछ ना कुछ आते रहेगा जैसे अभी World Cup है तो World Cup के लिए वो डालेगा कुछ ना कुछ अरे pizza, have you ordered for the pizza as India is winning? Rohit to support Rohit. कुछ ना कुछ इवेंट के हिसाब से अभी रक्षाबंधन आएगा या दिवाली कोई भी कुछ ना कुछ आएगा जोमैटो कस्टमर रिलेशनशिप देम एंड ग्रो देम नेक्स्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे पैसा अर्न करना है तो नहीं फोर्थ हुआ ये ठीक है फिफ्थ इज गोइंग टू बी योर रेवेन्यू स्ट्रीम हाउ बिजनेस मेक मनी ठीक है डिपेंड्स ऑन वॉट वैल्यू द कस्टमर इज पेइंग फॉर फिर बाद में आ जाता है कॉस्ट स्ट्रक्चर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगता है ना ये डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इसको आप लोग बोल सकते हो सो so, ये डे टू डे ऑपरेशन की एक्टिविटीज इज बेसिकली योर डे टू डे ऑप्स ओके दे बाद में आता है मेरा की

क्रिटिकल इन प्लानिंग एंड दे आर द की फैक्टर्स टन सो दिस इज हाउ यू क्रिएट योर बिजनेस मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली और सो जैसा मैंने बोला कि ये आप अगर कभी फ्यूचर में बिजनेस करो तो भी यूज कर सकते हो हाउ टू ड्रॉ अ बिजनेस मॉडल कैनवस जस्ट टू मिनट्स एंड वी विल बी डन विद कॉन्सेप्ट वैल्यू प्रोपोजिशन what compelling about the proposition why do customers buy your product channels how are these propositions promoted sold delivered where is it working why is it working on the app customer segment who are the customers customer relationship how do you interact how do you interact with the customer throughout the journey revenue streams how do they get the value from money from uh, cost structure what are the business main cost drivers or cost

Very वेरी नाइस थिंग देव गिवेन ध्यान रखना दिस question can come through your MCQ. Element वन मैं रेड में हाईलाइट कर रहा हूं टू थ्री and फोर जो मेरे initial fours थे जो इधर मैंने देखो आप लोग को इधर initial four दिखे ना वन टू थ्री एंड फोर ये चारों के चारों फोकस्ड है कस्टमर के ऊपर आई होप यू the कस्टमर एलिमेंट सिक्स

स्ट फाइव एंड नाइन आई वी क्लियर एवरीबॉडी विथ दिस वी कंप्लीट ऑस्टू ऑल्डर्स बिजनेस मॉडल ये नाइन चीज आपको याद रखनी है आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को पूरी तरह से। एंड इफ देन डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू डू लाइक एंड शेयर इट विद द पीपल कंसर्न आपका हो गया हो यू कैन शेयर इट विद यर फ्रेंड्स